आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ब्रह्मा जी व उनकी पत्नी देवी सावित्री की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने से सुहाग की आयु लंबी होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कथा सुनने के बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करने वाले हैं। संसार में जितने भी मानव, दानव, पशु, पक्षी हैं, सब इनकी ही संतान माने जाते हैं। त्रिदेवों में एक विशेष देव ब्रह्मा जी हैं, परंतु यह बात बड़ी हैरानी जनक लगती है कि सृष्टि की रचना करने वाले को ही संसार नहीं पूजता। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती, इसके पीछे की कथा आज हम सुनेंगे। सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में विष्णु जी सहित सभी देवी देवता पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी की पत्नी देवी सावित्री को यज्ञ में पहुंचने में देरी हो गई और यज्ञ में पत्नी सहित बैठना जरूरी था। पूजा का शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, लेकिन जब काफी समय तक देवी सावित्री यज्ञ में ना पहुंच पाई तो शुभ मुहूर्त कहीं निकल ना जाए, तब मजबूरन ब्रह्मा जी ने वहां उपस्थित नंदिनी गाय के मुख से देवी गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपने साथ यज्ञ में बैठा लिया और यज्ञ को संपूर्ण किया। तभी वहां देवी सावित्री पहुंच गई और अपने पति के बगल में किसी दूसरी स्त्री को देख अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी को ये शाप दे दिया कि जिस संसार का निर्माण करने के लिए आपने मुझे भुला दिया, वह संसार आपकी पूजा कभी नहीं करेगा, आप इसी स्थान तक सीमित रह जाओगे। ब्रह्मा जी के साथ साथ देवी सावित्री ने भगवान विष्णु को भी ये श्राप दिया कि आपने ब्रह्मा जी की इस कार्य में सहायता की है, इसलिए आपको पत्नी विरह की वेदना को झेलना पड़ेगा। इसलिए जब भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया तो वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें माता सीता से अलग रहना पड़ा। विवाह कराने वाले ब्राह्मण को भी उन्होंने श्राप दिया कि चाहे कितना भी दान मिलेगा, परंतु ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होंगे। गाय को कलयुग में गंदगी खाने और नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दिया। सावित्री देवी ने क्रोधित हो अग्निदेव को भी श्राप दिया कि तुम भी कलयुग में अपमानित होगे। सभी देवी देवताओं ने देवी सावित्री को समझाने का प्रयास किया कि वे अपना श्राप वापिस ले लें, लेकिन अब दिया हुआ श्राप वापिस नहीं लिया जा सकता था। क्रोध शांत होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी को कहा कि धरती पर केवल एक यही स्थान होगा जहां आपका मंदिर होगा। सावित्री देवी ने कहा कि अगर किसी ने कहीं और दूसरे स्थान पर आपका मंदिर बनाना चाहा तो उसका विनाश निश्चित है, इसलिए संसार में केवल पुष्कर ही एक ऐसा स्थान है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर है, क्योंकि यह वही स्थान था जहां ब्रह्मा जी यज्ञ करवा रहे थे। पति को श्राप देने के बाद स्वयं सावित्री देवी पुष्कर के पास स्थित पहाड़ी पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वहीं की होकर रह गई, जहां आज भी देवी सावित्री का मंदिर बना हुआ है।
मान्यता के अनुसार जो भी पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर में दर्शन करने जाता है वह देवी सावित्री के दर्शन जरूर करके आता है। देवी सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पूजा करने से सुहाग की लंबी आयु होती है। यहाँ पूजा के लिए जो महिलाएं आती हैं वह देवी सावित्री को मेहंदी बिंदी चूड़ियां आदि सुहाग का सामान चढ़ाती हैं और उनसे पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगती हैं। पुष्कर तीर्थ की यात्रा तभी सफल मानी जाती है जब यहाँ पर आने वाले ब्रह्मा जी व देवी सावित्री दोनों का दर्शन कर आशीर्वाद पाते हैं। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।